हमारी अब तक की डिस्कशन से ये बात क्लियर हो गई कि जो ब्री है और जो B3W है वो एक दूसरे के साथ, उनके साथ रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन कंप्लीमेंटेरिटी का भी है और कंट्राडिक्टरी भी है। हम इस डिस्कशन के आगे जाके जब एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगा कि क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डाइवर्जेंसेस हैं। लेकिन इस पॉइंट तक हमें यह समझ आई है कि जो ब्री है उसका भी रेजन डेट्रा वही है जो कि B3W का है, यानी कि दोनों का पर्पज़ यही है कि जो 21st सेंचुरी में ग्लोबल और वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीड्स हैं उनको कैटर करना है। यानी कि एक मैकेंसे, जैसे मैंने आपको पहले आप लोगों को मैंने मेंशन किया है कि मैकेंसे इंटरनेशनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट है वो तकरीबन $40 ट्रिलियन चाहिए उस गैप को ब्रिज करने के लिए। ठीक, इसका सिंपली मतलब यह है कि उस गैप को ब्रिज करने का मतलब यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो लैक ऑफ कनेक्टिविटी है या वहाँ पे जो बेटर जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं उसके ना होने की वजह से ग्लोबल ट्रेड उस लेवल के साथ प्रोग्रेस नहीं कर पा रही जो कि कर पाती अगर डेवलपिंग कंट्रीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अप टू डेट होता। ठीक है, यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई कि जो सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू मॉडल्स आर इनिशिएटिव्स वो यह कि दोनों एम करते हैं टू कैटर टू द नीड्स ऑफ वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि जो ब्री है उसकी फोकस और प्रायोरिटी है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हमने जब हम B3W की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने कहा कि ये जो US लेट इनिशिएटिव है ये प्रायोरिटाइज करता है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें हमने कहा कि इसने क्लाइमेट को फोकस करना है, उसके बाद जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की बात मतलब इसमें हमने की। ठीक, अगर और बात करें डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बात यहाँ पे होगी, यानी इस प्रोजेक्ट में जो प्रायोरिटी एरिया है वन ऑफ जो सेंटर ऑफ फोकस एरिया होगा वो डिजिटल टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, या ऐसे ऐसे हम कह लें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इसने क्रिएट करना है, एनर्जी सोन। ठीक, फर्दर रोड एंड कनेक्टिविटी, रोड्स बिल्ड करना, एयरपोर्ट्स बनाना, ये भी इसमें है। ठीक, तो यहाँ तक हमें यह समझ आए कि दोनों प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम नेचर के हैं, दोनों के पर्पजेज सेम हैं। ठीक है, उसके बाद यह है कि दोनों में डिफरेंसेस जब हम बात आगे इस डिस्कशन के एक सेक्शन में करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों ये जो प्रोजेक्ट्स हैं या इनिशिएटिव्स हैं ये दो अलग अलग वर्ल्ड ऑर्डर्स को बनाने या मेंटेन रखने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं, डिस्कशन को आगे कैरी करते हैं। थर्ड हमारे पास जो एरिया है जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या गोल्स हैं बिहाइंड दीज डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स। पहले ब्री की बात करते हैं। जैसे कि ब्री के बारे में प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स में क्वेश्चन आता रहा कि क्या चाइना का जो है ना मतलब स्ट्रेटेजिक विजन क्या है बिहाइंड ब्री, तो वहाँ पे सर्टेन पॉइंट्स मैंने हाइलाइटेड फॉर्म में मेंशन किए ताकि आप लोगों को रिवाइज आपकी रिवीजन हो। सबसे पहला, चाइना चाह रहा है किसी भी तरीके से मलाका डायलेमा जो है उसको एवर्ट करे या उसको एस्केप करे थ्रू ब्री, यानी कि एक अल्टरनेटिव रूट फाइंड आउट करे टू अप्रोच इंडियन ओशन सो एज टू एवर्ट इट्स मलाका डायलेमा। तो एक रीज़न ये है। पॉइंट टू की तरफ देख लें तो ब्री के थ्रू चाइना चाहता है कि चाइना के जो वेस्टर्न प्रोविंस हैं जैसे जिंगजियांग है जहाँ पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जो कि चाइना के अगेंस्ट ऑपरेट करती है, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। तो चाइना की कोशिश ये है कि उस रीजन को या उस अपनी पेरिफरी को मतलब उस लेवल तक उसकी डेवलपमेंट करे जो कि मैच करे जो कोर या जो सिटी एरियाज है उनके लेवल की डेवलपमेंट वहाँ पे कराए ताकि वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनके जो ग्रीवांसेस हैं उनको एड्रेस किया जा सके। ठीक, एक ये चाइना का पर्पस और स्ट्रेटेजिक विजन है। पॉइंट सी की तरफ चले जाएँ तो चाइना चाह रहा है कि रीजनल कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली ऐसे टेलर किया जाए कि उनके बीच में जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उनको पीसफुली और पैसिफिक मीन्स के थ्रू सॉल्व किया जाए विदाउट रिसोर्टिंग टू वो। तो ये भी चाइना का एक एम है जो कि वो परसू कर रहा है थ्रू ब्री। पॉइंट फोर की तरफ चले जाएँ तो चाइना जाहिर बात है मतलब इतने मैसिव लेवल का जो है ना वो एक प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव है, इसके थ्रू चाइना चाह रहा है कि वो नए मार्केट्स को डिस्कवर करे, वहाँ पे जो है ना वो फिर उसके बाद लिखा यहाँ पे मेकिंग इन रोड्स इन टू न्यू मार्केट्स, कल्टिवेट इनक्लेव इकोनॉमीज एंड एक्सपेंड इन्फ्लुएंस। यहाँ पे न्यू मार्केट्स का आपको समझ है, इनक्लेव इकोनॉमी हमारे लिए एक नई टर्म होगी इस केस में। इनक्लेव इकोनॉमी का मतलब ये कि जब एक थर्ड या एक्सटर्नल कंट्री किसी कंट्री में जाके किसी और कंट्री में जाके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उस इकोनॉमी को या उस इन्वेस्टमेंट को हम नाम देते हैं इनक्लेव इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि एक कंट्री है एक्स
अगर वो कंट्री पाकिस्तान में आके कुछ बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड वगैरह ऐसी कोई मतलब कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे करे या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे, तो वो हम ये कहेंगे ये जो रोड्स हैं या वो जो भी बन रहा है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टिंग कंट्री है उसकी इनक्लेव इकोनॉमी है। सही, हम ये कह सकते हैं कि सी पैक जो है ना वो चाइना की इनक्लेव इकोनॉमी है। सही, तो चाइना का एक पर्पज़ ये भी है कि जो हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज़ है या जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अपनी इनक्लेव इकोनॉमी को वहाँ पे इस्टेब्लिश करे सो एज टू एक्सरसाइज इस इन्फ्लुएंस ऑन दोज कंट्रीज़। एक चाइना का पर्पज़ ये भी है। पॉइंट फाइव की तरफ चले जाएँ तो चाइना का जो ब्री का वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी जो इसका जो पर्पजेस है ब्री चाइना का अंडर ब्री, वो ये है कि डी डॉलराइजेशन ऑफ ट्रेड करें। हमें पता है कि जो डॉलर्स हैं डॉलर है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ होने वाली करेंसी है, तो चाइना का की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से ग्लोबल ट्रेड को डी डॉलराइज किया जाए। और चाइना एंड रशिया इस कोशिश में काफ़ी टाइम से हैं कि वो अपनी जो है ना वो इंडिजिनस करेंसीज में ट्रेड करते हैं। तो ब्री के थ्रू चाइना की कोशिश है कि जो डॉलर की जो मोनोपली है उसको ब्रेक डाउन और ब्रेक किया जाए। पॉइंट सिक्स की तरफ चले जाते हैं, एक्सपोर्टिंग डेवलपमेंट टू बोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमें यह पता है कि एक कंट्री मतलब चाइना की जो अब चाइना का पर्पस ये है कि उस चाइना ये चाहता है कि जो उसमें चाइना में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुके नहीं। मसलन अब चाइना अपने जो डिमांड्स हैं, चाइना की जो डोमेस्टिक डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई जो आप लोगों को पता है कर्व एक होता है, चाइना अपनी डोमेस्टिक डिमांड को मीट कर रहा है बाय जनरेटिंग इट्स ओन इंडिजिनस प्रोडक्ट्स। अब चाइना की कोशिश ये है कि इतनी मतलब मैसिव लेवल पे प्रोडक्शन का काम किया जाए कि न सिर्फ डोमेस्टिक नीड्स को मीट किया जाए बल्कि उन प्रोडक्ट्स को या जो बन रहा है उनको एक्सपोर्ट भी किया जाए, ताकि चाइना का जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो कभी मतलब लीनियर फॉर्म में ना रहे बल्कि एक नॉन लीनियर मैनर में उसकी ग्रोथ इकोनॉमी ग्रोथ करती रहे। तो एक चाइना का पर्पस ये भी है कि एक्सपोर्टिंग डेवलपमेंट टू फर्दर या टू एड मोर स्पीड टू इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एक पर्पस है। पॉइंट सेवन की बात कर लेते हैं, प्रीचिंग कन्फ्यूशियन टीचिंग्स टू सॉलिडिफाई सो पावर। जैसे इस लेक्चर के प्रीएम्बल में हमने बात की कि ये एक ऐसा इरा है जिसमें सॉफ्ट पावर बड़ा मैटर करता है। सही, सॉफ्ट पावर का बड़ा इन्फ्लुएंशियल रोल है। तो चाइना ने क्या किया, ऑलमोस्ट 500 यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना वो कन्फ्यूशन एक डिपार्टमेंट इन्होंने ओपन किया है जिसके थ्रू ये अपनी जो टीचिंग्स है कन्फ्यूशन टीचिंग्स है उनको प्रैक्टिस और प्रीच वहाँ पे करती हैं। ठीक, ताकि जो दुनिया में जो हम जो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के जो लोग हैं उनके दिल में चाइना अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना वो क्रिएट करना चाह रहा है, जैसे कि यूएस ने किया था, डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स हैं, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड सो ऑन। तो ऐसे ही चाइना भी चाह रहा है कि ये अपना सॉफ्ट पावर को सॉलिडिफाई एंड कंसोलिडेट करे सो एज टू क्रिएट वैक्यू एज सो एज टू क्रिएट सॉफ्ट कॉर्नर इन द हेयर्स ऑफ पीपल। जैसे हमने शुरू में कहा था कि जोसेफ एस नाई के अकॉर्डिंग ये वो दौर है जिसमें हार्ड पावर से ज़्यादा स्मार्ट पावर का बड़ा इन्फ्लुएंशियल रोल है। अब हमारे पास तीन तरह के पावर्स, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, स्मार्ट पावर। सॉफ्ट की बात पहले, हार्ड की पहले बात, मिलिट्री पावर की बात करें, डिफेंस की बात करें तो ये हार्ड पावर है। उसके बाद सॉफ्ट पावर की बात करें, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, बिलीफ सिस्टम है, ये हमारे पास सॉफ्ट पावर है। जब स्मार्ट पावर की बात करते हैं तो कम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट को हम कहते हैं स्मार्ट पावर। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्री के थ्रू चाइना अपने कन्फ्यूशन टीचिंग्स को प्रोलिफरेट एंड प्रीच करा रहा है ताकि लोगों के जहनों में अपने लिए दिलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना वो क्रिएट कर सके। पॉइंट एट की तरफ चले जाते हैं, थ्रू ब्री चाइना इज एस्टैब्लिशिंग न्यू इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन टू एड्रेस कन्वेंशनल एंड मॉडर्न आर नॉन कन्वें ट्रेडिशनल चैलेंजेस। अब हमें ये पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे कि यूएस ने नए इंस्टीट्यूशन बनाए थे, फॉर एग्जाम्पल जिसमें यूनाइटेड नेशंस एक है, वर्ल्ड बैंक है, उसके बाद IMF है, ठीक है, उसके बाद WTO है एंड सो ऑन। तो चाइना भी अब जो है ना वो इसमें ब्री के बाद चाइना ने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस मतलब इसने एस्टेब्लिश किए। फॉर एग्जांपल SCO तो काफ़ी पहले से, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसकी जो विजिलेंस है या इसकी जो स्पीड है काम करने की या इसकी जो इफिकेसी है वो बढ़ गई है आफ्टर ब्री। इसी तरह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक है चाइना के अंडर, यानी चाइना ने इस्टेब्लिश किया है, और आगे रेट्स है रीजनल एंटी टेररिज्म स्कॉट और एंटी ट्रेड टेररिज्म बुक के नाम से एक इन्होंने चाइना ने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जिसका काम थ्री ईवल फोर्सेस को फाइट करना है, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म। तो इस पॉइंट से हमें यह पता चल रहा है कि चाइना ने जैसे कि यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है ना वो एक ऑर्डर को ऑथर किया था
चाइना भी वही फुट्स फॉलो कर रहा है जो कि यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किया था। अच्छा, अगर फर्दर आगे हम लोग चले जाए तो पॉइंट नाइन में हम लिखा है कि चाइना इज़ वर्किंग फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की देन पोलैरिटी। यहाँ पे हमारे जो समझने वाले बात मल्टीलेटरल या मल्टीपोलर, यहाँ पे लिखते तो बेहतर था मल्टीपोलर, जिसमें हमारे पास मेजर, काफ़ी सारे मेजर पार्ट्स होंगे, कोई एक नहीं होगा उनमें मेजर। जैसे आजकल हम इसको कहते हैं कि, या जो कोल्ड वॉर के बाद कोई एरा को हम कहते हैं कि ये हमारे पास यूनिपोलर एरा है, क्योंकि इसमें जो लीडिंग हमारे पास पावर है वो सिंगल यूएस है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ समझना हमने ये है कि वो है हिरार्की एंड पोलैरिटी। चाइना का जो ऑर्डर के बारे में जो चाइना की अंडरस्टैंडिंग है वो हिरार्की है। अब अगर यूएस की बात करें तो वो पोलैरिटी है। ठीक, पहले समझते हिरार्की क्या है, उसके बाद हम आते हैं पोलैरिटी। हिरार्की से मतलब चाइना का ये मानना है कि जैसे एक घर में फादर सबसे, मतलब उनके उनका जो उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, उसके बाद मदर, सन एंड सो ऑन, मतलब जो बड़ा होगा उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट, उससे जो छोटा होगा उसकी कम, एंड सो ऑन। तो ये इसको हम कहते हैं हिरार्किकल मॉडल ऑफ ऑर्डर। चाइना का ये नोशन है, या चाइना की जो अंडरस्टैंडिंग है ऑर्डर से रिलेटेड, वो हिरार्की को प्रायोरिटाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। उसके बाद उससे नीचे जो रैंक में होगा वो इन्फ्लुएंशियल, उससे उसके बाद नेक्स्ट, एंड सो ऑन। ये हिरार्की है। जबकि यूएस की बात करें तो यूएस पोलैरिटी की बेस पे ऑर्डर ऑर्डर को फेवर करता है, फॉर बाई पोलैरिटी, यूनिपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजिक विजन्स है चाइना के बिहाइंड ब्री। अब अगर यही बात हम B3W की करें कि क्या G7 जो कंट्रीज हैं उनका क्या पर्पज़ है बिहाइंड लॉन्चिंग B3W, तो यहाँ पे हमने एक यहाँ पे रेफरेंस मेंशन किया कि द US स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एक्ट ऑफ 2021, जिसमें लिखा गया कि वी हैव टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस बाय एवरी मीन्स। इस एक्ट के अकॉर्डिंग यूएस ने मतलब ये मतलब क्लियर कट मैनर में कहा है कि यूएस जो है ना वो चाइना को हर लिहाज से और हर सोर्स के थ्रू चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर यूएस करेगा। नेक्स्ट, सेकंड जो इसमें पॉइंट लिखा है, इनेबलिंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस। न सिर्फ यूएस बल्कि सोसाइटी के हर सेक्शन को इस काबिल बनाया जाए कि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जाए। फर्दर, B3W के थ्रू चाइना यूएस जो है ना वो इज नर्चिंग अ नोशन ऑफ विद अस आर अगेंस्ट अ सिनेरियो टू फोर्स कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर यही बात करें तो अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग या इस एक्ट के अंडर यूएस ने ऐसा एक सिनेरियो डेवलप करना है जो उन कंट्रीज के लिए जो कि ब्री में जो कि इन्वॉल्व है, जैसे पाकिस्तान है। तो अब B3W को लॉन्च करके यूएस ने पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के लिए इधर विद आर अगेंस्ट अस जैसा सिनेरियो डेवलप कराया। अब हम आगे ज़रा देखते हैं कि क्या है B3W का रेजन डेट्रा या क्या पर्पसेस है। एंटनी ब्लिंकन की बात है, जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनके अकॉर्डिंग जो है ना वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू, यानी B3W के थ्रू, यूएस जो है ना वो और बाकी जो पार्टनर नेशंस हैं वो बैलेंस ऑफ पावर जो कि टिल्ट जिसका हुआ था ड्यू टू ब्री इन फेवर ऑफ चाइना, उस टिल्ट को हमने दोबारा से बैलेंस करना है B3W के थ्रू। ये एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि हमने B3W के थ्रू जो पावर बैलेंस में जो टिल्ट आया था इन फेवर ऑफ चाइना, उसको दोबारा से रीबैलेंस करना है। आगे पॉइंट टू अगर हम देख लें, पॉइंट बल्कि टू अभी पढ़ लिया, पॉइंट वन मैं मिस कर रहा हूँ। पॉइंट वन की तरफ अगर चले जाए तो यहाँ पे लिखा है काउंटरिंग एंड कंटेनिंग चाइना। ये बात तो क्लियर कट है कि B3W का जो रेजन डेटर है वो चाइना के ब्री को काउंटर करना है, क्योंकि अब ब्लिंकन ही कहते हैं कि मच ऑफ द प्लैनेट्स फ्यूचर विल बी रिटन इन इंडो पैसिफिक। मतलब जो एंटनी ब्लिंकन है प्रेसिडेंट, जो करंट सॉरी करंट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो ओपनली कहते हैं कि जो इस सेंचुरी में जो मतलब जो कंट्रीज का जो फेट है वो इंडो पैसिफिक में लिखा जाएगा। ठीक है, और ये हमें पता चलता चल रहा है कि मतलब यूएस 2000 बराक ओबामा के सेकंड टेन्योर ऑनवर्ड जो है ना वो चाइना को कंटेन करने के पीछे लगा हुआ है। फर्स्ट द पिवट टू एशिया है, फिर उसके बाद अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की फ्री एंड इंडो पैसिफिक जो है ना वो स्ट्रेटजी है, और अब जो है ना वो इनकी एक मतलब एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं जिसके थ्रू डायरेक्टली ही उसको चैलेंज कर रहे हैं। आगे अगर चले जाएं, पॉइंट टू हमने देख लिया, पॉइंट थ्री की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है ना वो जो वेस्ट है या स्पेशली यूएस है, वो चाह रहा है वेस्टर्नाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। यानी हमारे पास जो ग्लोबल अथॉरिटी एंड पावर है या जो लीडरशिप रोल है वो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में न चला जाए, ये हमारे पास इंटरेस्ट है यूएस का
जो कि ये परसू करा है थ्रू B3W। फर्दर अगर इंटरेस्ट की बात करें तो US जो है ना वो इस B3W इनिशिएटिव के थ्रू उस एरिया को एक्सप्लोर और एक्सप्लॉयट करना चाह रहा है जिसको अभी इस आज हमने शुरू में रेफरेंस के तौर पे जब मैंने बताया था फ्रेंकोपान की जो बुक थी जिसमें वो बताते हैं कि जो ईस्ट है उसका दोबारा से राइज होता है। ठीक सही। और वो कंट्री जो कि इस इकोनॉमिक एक्सपेडिशन में एक अपना एक इन्फ्लुएंशियल रोल और एक मतलब प्रोमिनेंट रोल प्ले करना चाहती हैं उनको चाहिए कि वो किसी भी तरीके से ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशंस अच्छे बनाएं जो कि US कर रहा है। ठीक है। US थर्ड बैलेंसिंग और ऑफशोर बैलेंसिंग के थ्रू जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ अपने रिलेशन सॉलिडिफाई कर रहा है और उनको एंटी चाइना डिप्लॉय कर रहा है। ठीक है। ताकि यहाँ पे डिवाइड एंड ब्रेक का एक सेटअप यहाँ पे इस्टेब्लिश करे और रूल करे। ये कुछ हमारे पास US के इंटरेस्ट आर ये जो B3W है इसके कुछ प्राइमरी रीजन्स है आर रीजन डेट रहा है जिसको वेस्टर्न कंट्रीज आर G7 कंट्रीज अटेंड करना चाहते हैं। अगर आगे बात कर लें सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू प्रोजेक्ट्स आर इंफ्रास्ट्रक्चरल इनिशिएटिव्स तो वहाँ पे ये है कि दोनों जो है ना वो लोन बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। जो इन्वेस्टिंग कंट्रीज हैं वो लोन मतलब यहाँ पे लोन बेस्ड प्रोजेक्ट्स मतलब ये कि इस इन दो इनिशिएटिव्स में जितने भी प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे उनकी फंडिंग जो है ना वो एक्सटर्नल पास करेंगी। हाँ ये डिफरेंस है कि इन केस ऑफ ब्री वो स्टेट फंड फंड करेगी चाइनीज स्टेट जबकि B3W की बात करें तो वहाँ पे प्राइवेट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस होंगे या प्राइवेट इंटिटीज जो है ना वो उन प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे। यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखा है सिमिलैरिटीज में वो ये है कि बोथ आर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैटरिंग टू वर्ल्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स जो कि कहना है द मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट जैसे शुरू में हम बात कर रहे थे कि दुनिया में इस टाइम जो है ना तकरीबन कोई 40 ट्रिलियन डॉलर्स की गैप जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप मतलब इस टाइम प्रेजेंट है। इसको ब्रिज करना है और ब्रिज करने के लिए ये जो हमारे पास ऐसे इनिशिएटिव्स हैं ये बड़े अच्छे हैं मतलब स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। पॉइंट टू की बात करें सिमिलैरिटी में ये कि दीज टू इनिशिएटिव्स आर लोन बेस्ड जैसे पहले बात की। थर्ड पॉइंट की बात इन दोनों से ये पता चला कि ये न्यू कॉलोनियल टाइड या एक न्यू कॉलोनियल जो है ना वो एक कंपटीशन है बिटवीन दीज टू मेजर इकोनॉमीज जैसे ऊपर हमने इनक्लेव इकोनॉमी की बात की दोनों ही चाह रहे हैं कि जो अनएक्सप्लॉयटेड जो मार्केट्स हैं ठीक डेवलपिंग वहाँ उनको एक्सप्लॉयट किया जाए उनमें अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को सोलिडिफाई किया जाए। ठीक है। तो ये एक इन दोनों में सिमिलैरिटी है। पॉइंट फोर की तरफ अगर देख लें तो यहाँ पर लिखा है कि दीज टू इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स आर कंप्लीमेंट्री रादर देन कंट्राडिक्ट्री इन नेचर टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग वर्ल्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स यानी एक दूसरे को यानी कि कंप्लीमेंट करती है ना कि एक दूसरे को आइसोलेट। वो ऐसे कि जैसे हमने ऊपर बात की जो B3W है उसने गुड गवर्नेंस को फोकस करना है उसमें ट्रांसपेरेंसी को फोकस किया जाएगा उसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशूज़ को मतलब फोकस प्रायोरिटी दी जाएगी जैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है ना वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया जाएगा। इस सब से होगा यह कि वो कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान जैसी कंट्री है जो कि इस टाइम ब्री का एक मतलब एक सब्सटेंशियल पार्ट है अगर पाकिस्तान में भी पाकिस्तान इन केस B3W का पार्ट बन भी जाए तो उससे फ़ायदा ब्री को होगा। ठीक है। कैसे। अब अगर पाकिस्तान B3W का हिस्सा बनता है तो उस केस में पाकिस्तान हैज़ टू इंश्योर या पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैव टू इंश्योर गुड गवर्नेंस ठीक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे होनी चाहिए उसके बाद करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे नहीं होंगी क्योंकि B3W ये मैंडेटरी है अंडर B3W जो मेंबरिंग या पार्टनरिंग नेशंस हैं वो करप्ट प्रैक्टिसेस को रूट आउट करेंगी। ठीक। गवर्नेंस को गुड या डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को इंश्योर कराएंगी। तो आप ऐसे अगर चले तो फिर इससे क्या होगा ब्री के अंडर जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं वो भी ऑटोमेटिकली एक ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट वो विटनेस करेंगे। तो ये दोनों ऐसे हम कह सकते हैं कि एक तो ये कि ये दोनों दुनिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको ब्रिज कर रहे हैं साथ ही साथ जो ऑलरेडी ब्री में जो पार्टनरिंग या मेंबर कंट्रीज हैं उनके अंदर जो हमारे पास गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है ट्रांसपेरेंसी वगैरह है उनको एमेल्योरेट करने का काम B3W कर सकता है जिससे दोनों प्रोजेक्ट को फायदा होगा। अब अगर आगे देख लें कंपेरेटिव एनालिसिस करा लें दोनों में ब्री एंड B3W में तो हमें यह पता है कि मैंने अपने इसी काफ़ी टाइम पहले दो मैंने लेक्चर्स यहाँ पे बीजिंग कंसेंसस एंड वॉशिंगटन कंसेंसस के ऊपर हमारे पास एक्स्ट्रा कंप्रिहेंसिव लेक्चर्स हैं तो ब्री जो है ना वो इस प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ चाइनास बीजिंग कंसेंसस के बारे में हमारे लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है कि ये चाइना का एक ऐसा डेवलपमेंटल मॉडल है जिसके थ्रू चाइना जो है ना वो अपने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियाज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है जबकि B3W जो है ना वो बेस करता है वॉशिंगटन कंसेंसस के ऊपर जिसके ऊपर लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। आगे चले जाएँ जो ब्री है वो बेस करता है जियो इकोनॉमिक्स पे और जो B3W है वो बेस करता है जियो पॉलिटिक्स पे।
फर्दर अगर आगे चले जाएं, ब्री जो है ना वो प्रायोरिटाइज करता है लिविंग स्टैंडर्ड्स को, ठीक, यानी ये कंसिडर करता है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे तो ही कामयाबी है, सही। सक्सेस इज इक्वलेंट टू इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्टन पीपल या कम्युनिटी पीपल ऑफ सर्टन सोसाइटी। जबकि अगर हम बात कर लें B3W, तो इसमें GDP को एज अ यार्ड स्टिक इसको डिक्लेयर किया जाता है कि GDP के थ्रू ही हम सक्सेस आर अदरवाइज हमारे पास जो सिनेरियो होगा उसको मेयर किया जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस ये भी है। आगे अगर बात कर लें तो ब्री जो है ना वो बेस करता है लो पॉलिटिक्स पे, यानी इकोनॉमी, ट्रेड रिलेशंस, उसके बाद इंटरकनेक्टिविटी, रीजनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, ठीक, ये इसको हम कहते हैं लो पॉलिटिक्स। जबकि जो हमारे पास B3W है उसमें यह है कि मिलिट्री कोऑपरेशन है, सिक्योरिटी है, डिफेंस है, ये हमारे पास लो पॉलिटिक्स, सॉरी हाई पॉलिटिक्स पे पर बेस करता है B3W। अगर फर्दर आगे चलें तो ब्री में जो हमारे पास ट्रेड आर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अगर कोई इशूज़ आए या ड्यूरिंग ट्रेड चाइना और किसी गिवन कंट्री के बीच में कोई इशू अगर अगर होता है या राइज करता है, तो उस केस में उस इशू को चाइना रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल के थ्रू जो है ना वो चाइना उस इशू को टैकल करता है। मसलन हमें पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम जो है ना वो एक इशू होता है, कलेक्टिव गुड्स जिनमें ट्रेड भी एक इशू है। तो चाइना जिस प्रिंसिपल के थ्रू इस तरह के इश्यूज को रिजोल्व करता है उसका नाम है रेसिप्रोसिटी, जबकि ऐसे ही इश्यूज को US डोमिनेंस के प्रिंसिपल से रिजोल्व करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चाइना का जो ब्री है वो बेस करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, वेयर इज US लेट B3W इज बेस्ड ऑन डोमिनेंस या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। आगे बात करें, जैसे हम ऊपर बात करें तो चाइना जो है ना सो पाथ पे काम कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि चाइनाज ब्री इज ऑल अबाउट इम्प्रूविंग आर एमेल्यूरेटिंग इट्स सो पार, वेयर इज, जबकि US की पास्ट प्रैक्टिसेस को देख लें, उसके प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव मिलिट्री स्ट्रेटजीज को देख के हम ये कह सकते हैं कि US का जो US लेट जो B3W है वो एक हार्ड पार पर बेस करता एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आखिरी इसमें पॉइंट हमने लिखा है कि जो ब्री के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि B3W में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्राइवेट कैपिटल की बेस पे या प्राइवेट एंटिटीज इनको फंड करेंगे। अब कुछ इश्यूज यहाँ पे हैं जो कि एसोसिएटेड है विद ब्री, उनको हमने ऐसे लिखा है कि ब्री या चाइनास प्रीडेटरी क्लॉस है, जो एक क्लॉस है इसमें ब्री में, ब्री से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं द क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉस। दोबारा से ये जो हमारे पास हाईलाइटेड है द क्रॉस डिफॉल्ट क्रॉस, इस क्लॉज के अकॉर्डिंग ये है कि इफ पार्टनर डिफॉल्ट्स इन वन एरिया, यानी ब्रिक में जितने भी पार्टनर्स हैं जैसे पाकिस्तान है, उसके बाद श्रीलंका एंड सो ऑन, जितने भी पार्टनर्स हैं इस क्लॉज के अकॉर्डिंग, अगर वो पार्टनर किसी एक सेक्टर में या किसी एक सेगमेंट में या वो किसी एक एरिया में अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है, डिफॉल्ट करने का मतलब यह कि अगर वो टाइमली लोन्स को सर्विस नहीं करता चाइना को, तो उसका मतलब यह है कि चाइना ऐसे उसको परसीव करेगा जैसे उसने सारे एरियाज में डिफॉल्ट किया। यानी कि अगर एक सिर्फ एक एरिया में एक सेक्टर में डिफॉल्ट करने का मतलब ऐसे है कि उस कंट्री ने बाकी जो सारे एरियाज हैं उनमें डिफॉल्ट किया, सही। फॉर एग्जाम्पल अब अगर चाइना पाकिस्तान से ये कहता है, फॉर द टाइमिंग समझने के लिए कह रहे हैं कि विद इन 2 मंथ्स पाकिस्तान ने जो है ना वो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स मतलब के पर जो चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट किया है उसको उसका जो डेट है उसको सर्विस करना है, लेट पाकिस्तान नहीं कर पाता 2 मंथ्स के अंदर, तो चाइना ये मतलब उसको डिक्लेयर ये कंसीडर करेगा कि पाकिस्तान ने बाकी जो सारे सेक्टर्स है जहाँ पे चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट किया है उन तमाम सेक्टर्स में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। तो ये इस क्लॉज को हम कहते हैं द क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉज, जो कि एक चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का एक मतलब एक ओरिएंटेशन समझ लें या एक रिफ्लेक्शन नज़र आता है कि चाइना ने जो है ना वो इस क्लॉज के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट जिन कंट्रीज में चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है उनको उनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन थी उसको बिल्कुल नैरो डाउन किया है। आगे अगर इसको पढ़ लें तो यहाँ पे लिखा है इफ अ पार्टनर कंट्री डिफॉल्ट्स इन वन एरिया इट विल ऑटोमेटिकली बी रिगार्डेड एज दो हैविंग डिफॉल्टेड इन अनदर एरिया, जैसे हमने पहले बात की। दिस क्लॉज अकॉर्ड्स ग्रेटर बेनिफिट्स टू द लेंडर एट द कॉस्ट ऑफ बोरोवर, जैसे चाइना है जो कि लेंड कर रहा है पाकिस्तान जैसे कंट्री जो कि बोरोवर से, तो इस क्लॉज ने जो लेंडर है उसको ज़्यादा मतलब एज दिया है, बार्गेनिंग उसकी जो स्पेस या पोजीशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू बोरोवर। आगे एक और इसमें इशू यह है कि द ब्रीज स्टेबलाइजेशन क्लॉज, जैसे ऊपर क्लॉज है इसी तरह इसमें लिखा है कि इट्स दिस क्लॉज शील्ड्स फॉरेन इन्वेस्टर्स फ्रॉम पॉलिटिकल रिस्क एंड एडवर्स रेगुलेटरी चेंजेस इन अ होस्ट स्टेट बाय मेकिंग न्यू लॉज इन एप्लीकेबल टू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। अब एक और इशू यह भी है कि पाकिस्तान अगर इनकेस
करंट जो रिजीम है, चलो ये तो मतलब इसमें कोई रेगुलेशन में कोई खास इन्होंने चेंजिंग या अमेंडमेंट्स नहीं की। इन केस आर इधर फ्यूचर गवर्नमेंट पाकिस्तान में कोई सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई पाकिस्तान में रेगुलेशन करे, या कोई एग्जिस्टिंग जो रेगुलेशंस हैं लेजिस्लेशंस हैं उनको अमेंड करना चाहें, तो उसके में वो अमेंडमेंट्स और रेगुलेशंस सी पैक के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, क्योंकि स्टेबलाइजेशन के जो क्लॉस है उसके अकॉर्डिंग किसी होस्ट कंट्री में जहाँ पर चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पर जो प्रोजेक्ट उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो चेंज नहीं हो सकते या एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो वहाँ पे नए रूल्स बनते हैं तो वो उन प्रोजेक्ट्स पर एप्लीकेबल नहीं है। तो उनको हमने ऐसे लिखा है कि शील्ड्स यानी स्टेबलाइजेशन क्लॉज शील्ड्स फॉरेन इन्वेस्टर्स फ्रॉम पॉलिटिकल रिस्क एंड एडवर्स रेगुलेटरी चेंजेस इन अ होस्ट स्टेट बाय मेकिंग न्यू लॉज इन एप्लीकेबल टू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, या जो ऑलरेडी जिन पे प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है उनके ऊपर वो लॉस अप्लाई नहीं होंगे। तो ये कुछ हमारे पास इशूज़ है जिनसे मतलब सीपेक के बारे में ब्री के बारे में ये आइडिया हो जाता है कि यस ब्री जो है ना वो चाइना की एक इन्फोर्स या इसको हम कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, या एक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी सी है, या प्रीडेटरी प्रैक्टिसेस पाकिस्तान चाइना जो है ना वो कर रहा है। इसी को हमने फिर आगे लिखा कि लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड लाइकलीहुड ऑफ करप्शन, ऐसे क्लॉसेज जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी के जो का जो एलिमेंट है उसको खत्म करते हैं, या वहां पे करप्शन का जो हमारे पास करप्ट प्रैक्टिस है उनको वहां पे नर्चर करते हैं। फर्दर आगे हमने यहाँ पे लिखा है, अब ये तो दो पॉइंट्स हमने पढ़े नेगेटिव पॉइंट्स थे रिलेटेड टू ब्री। इसी तरह अगर हम B3W की बात करें तो उसमें क्या नेगेटिव है, यहाँ पे हमने लिखा है कि अ हैमिल्टोनियन डिप्लोमेटिक विजन विथ जैक्सोनियन प्रैक्टिसेस। ये जो हमारे पास US लेट जो इनिशिएटिव है B3W, सुनने में पढ़ने में तो बड़ा अच्छा है, लेकिन यानी एक इकोनॉमिक विजन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्री के लिए। यहाँ पे पहले दो नाम हम ज़रा इनको एक्सप्लेन करते हैं फिर आगे हम अपनी बात। हैमिल्टन जो है ना वो अमेरिकन एक मतलब उस अपने दौर में जो शुरू में, या ऐसा समझ लें अमेरिका का फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ मतलब फाइनेंस था, ठीक है, यानी उसका मानना यह था कि अमेरिका को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना कि मिलिटेरिली, ठीक है। वो एक मर्केंटलिस्ट था, उसके अकॉर्डिंग अमेरिका की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो ही अमेरिका स्ट्रॉन्ग है। तो इस B3W का जो है ना वो इसका अच्छा इसी तरह जैक्सोनियन है। जैक्सन जो है ना अमेरिका के एक प्रेजिडेंट थे जिनका मानना यह था कि अमेरिका शुड बी मिलिटेरिली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यानी अमेरिका के पास स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन नहीं होनी चाहिए ताकि अमेरिका दुनिया को हार्ड पार के थ्रू लीड करे। अब अगर यहाँ इस बात को समझ लें तो ब्री जो है ना सॉरी B3W जो है ना वो एक ऐसा विजन है G7 कंट्रीज का जो कि बात तो इकोनॉमी की कर रहा है लेकिन उन कंट्रीज की जो प्रैक्टिस हैं उनसे समझ ये आ रहा होता है कि वहाँ पे जैक्सनियन प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल ये कंट्रीज चाहती हैं कि एक दूसरे के बीच साथ ट्रेड करें, लेकिन उनकी जो ट्रेड है वो डिफेंस ट्रेड ज़्यादा है, वेपन्स की में ट्रेड ज़्यादा है, ठीक है। तो जबकि चाइना की बात करें तो चाइना तो डिफेंस भी है लेकिन चाइना की जो ट्रेड है वो उसको हमने कहा था लो पॉलिटिक्स है, ठीक है, नेसेसिटी एंड रिडिमेंट्री जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो चाइना भी ट्रेड करता है डिफेंस के अलावा। तो इसकी नेगेटिव बात ये है B3W की, ये हमारे पास ऐसा समझ लेके यूटोपियन है, रियलिटी से हट के बात ये इस इनिशिएटिव में की गई है, इसकी वजह से इसकी जो वायबिलिटी है इसकी जो एफिकेसी है वो कम हो जाती है। आगे अगर चले जाएँ दिस प्रोजेक्ट इज अनेबल टू, या इसमें एक और जो इशू है जैसे हमने ऊपर भी बात की थी कि इसमें जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी फंडिंग प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट इंटिटीज करेंगी। तो अब जो G7 कंट्रीज है पहली बात तो यह कि उनके बीच में कंसेंसस डेवलप होना बड़ा मतलब बहुत ही एक नेक्स्ट इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। लेट इन कंट्रीज के बीच में कंसेंसस डेवलप हो भी गया तो कैसे परसुएड करेंगे प्राइवेट सेक्टर या एंटिटीज को कि वो उन प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट करें। जबकि ब्री की बात करें तो वहाँ पे स्टेट ओन जो है ना इंटरप्राइजेस या स्टेट जो है ना एजेंसीज उन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो स्टेट ओन्ड हैं। जबकि B3W के केस में प्राइवेट एंटिटीज हैं, उनकी अगर अब उनकी डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड कर, अगर वो चाहें तो वो कर सकते हैं, ना चाहें तो वो फंड्स यूटिलाइज आर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस वजह से एक इशू ये भी है B3W के साथ। आगे बात कर लें मेंबर्स लेक एन अ फिजिकल स्पेस टू डायरेक्ट द प्रॉमिस गोल्स। अब इस B3W में जो ऊपर हमने बातें पढ़ी कि इन्होंने रोड्स बनाने हैं, हेल्थ को फोकस करना है, जेंडर इक्विलिटी इक्वालिटी वगैरह, अब ये जो कंट्रीज है G7, अब इनकी जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है करंट, या इनमें इन इनकी सोसाइटीज़ में जो इक्वालिटी का जो इंडेक्स है वो इंतहाई मतलब डिटीरियोरेटेड है, यानी इन इक्वालिटी बहुत ज़्यादा मतलब एक हाई लेवल की एक इनक्वालिटी है। इनके पास जो फिजिकल स्पेस है या इनके पास जो मतलब अवेलेबल जो इनके पास जो कैपिटल है वो उस लेवल का नहीं है कि ये इस प्रोजेक्ट को वायबल प्रोजेक्ट बनाएं। तो हम ये समझ आ जाते हैं कि हाँ
जिस तरह इश्यूज ब्री के साथ है वैसे ही इश्यूज यहाँ भी हैं, ठीक है। दूसरी बात ये, एक तो रिएक्शनरी इन नेचर है, मतलब प्रोएक्टिव नहीं है बल्कि रिएक्टिव होने की वजह से भी इसकी जो वायबिलिटी है या इसकी जो अपील है वो ब्री से कम है। अच्छा, अब इस डिस्कशन के आखिरी हमारे पास आखिरी सेक्शन में पढ़ेंगे कौन सा ज़्यादा इन दोनों में वायबल है। तो इस पॉइंट को हमने ऐसे लिखा है कि चाइनाज नॉन कॉलोनियल एंड पीसफुल प्रोफाइल, यानी कि हमें पता है कि चाइना ने कभी कॉलोनियल प्रैक्टिसेस चाइना में नहीं रही, ठीक। चाइना ने हमेशा पीसफुल राइज की बात की है, तो चाइना जो है ना वो ब्री के थ्रू, अगर चाइना कल को मेजर या सुपर पावर बन भी गया तो मतलब उसके बारे में हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि हाँ, क्योंकि चाइना ने कभी इंपीरियलिज्म और एक्सपेंशनिस्ट मूव्स चाइना ने कभी शो नहीं की, या उसकी कभी एग्रेसिव बिला वजह एग्रेसिव उसने फॉरेन पॉलिसी एक्सरसाइज नहीं की, तो चाइना के बारे में एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू हम रख सकते हैं। पॉइंट टू की तरफ चले जाएं, चाइना ने अपने करंट जो उसका इकोनॉमिक फिलॉसफी है उसके थ्रू ही ऑलमोस्ट 8 मिलियन जो है ना लोगों को क्रोनिक पॉवर्टी के उस सर्कल से बाहर निकाला, तो चाइना का जो मॉडल है वो वायबल हो सकता है। जबकि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के केस में जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो सब्जेक्ट है टू दिस विशियस साइकिल ऑफ बूम एंड बस्ट, और करंट जो वहाँ पे प्रिवेलिंग इनइक्वालिटी के जो लेवल्स है उनसे आइडिया हो जाता है कि कैपिटलिज्म और द नोशन ऑफ फ्री मार्केट मैकेनिज्म इज नॉट इन अ पोजिशन टू एड्रेस दी एग्जिस्टिंग इश्यूज। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ब्री इज मोर वायबल एज कम्पेयर टू B3W। नेक्स्ट हमने लिखा है कि चाइनाज अर्ली रिकवरी फ्रॉम द 2008 फाइनेंशियल क्रंच एड्स मोर क्रेडिबिलिटी टू इट्स इकोनॉमिक फिलॉसफी, ऊपर हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है चाइनाज डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग एंड सेंट्रलाइज इंप्लीमेंटेशन मॉडल। अब यही मॉडल है चाइना का जिसकी वजह से चाइना में हालांकि वुहान में COVID-19 का इरप्शन हो जाता है, इवन देन चाइना जो है ना वो फर्स्ट कंट्री है जो कि जिसने इस बैटल में COVID-19 को शिकस्त दिया। तो यानी हमें ये पता चल रहा है कि चाइना का जो वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग मॉडल है वो ज़्यादा वायबल है एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेसीज। जैसे कि एक बुक में मतलब हम पढ़ते हैं डेमोक्रेसीज रिलेटेड, जो डेमोक्रेसीज है वहाँ पे गवर्नेंस बहुत ज़्यादा कम है, डेमोक्रेसी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो टीडियस है, टाइम टेकिंग होता है, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट्स क्राइसिस सिचुएशन को टाइमली टैकल करने में फेल रहती हैं, ठीक। तो आज की अच्छा आगे एक और भी पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया कि कंसेंसस बेस्ड कोलैबोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट सॉवरेनिटी सॉवरेन इक्वालिटी। तो चाइना जो है ना वो जिस जो ब्री है चाइना के अंदर जो ब्री है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो उनकी अपनी मर्जी से उन्होंने अपने सॉवरेन राइट्स को यूटिलाइज करते करने के बाद ही चाइना के साथ पार्टनरशिप की है या ब्री का पार्ट बने, तो इसमें कोई फोर्स वाला या कोएर्शन वाला कोई हिसाब यहाँ पे नहीं है। जबकि B3W की बात अगर कर ले तो वहाँ पे B3W कंट्रीज को ब्लैकमेल मतलब कर सकता है, मतलब जो लीडिंग कंट्री है US जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज की, जैसे पाकिस्तान को क्लियर इन कैटेगोरी के लिए कहा गया कि चाइना जो है ना वो CPEC के थ्रू पाकिस्तान को डेट रिटर्न करेगा और पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलना। तो ये हमें समझ आता है कि ब्री के केस में कोई कोएर्शन नहीं है, जबकि B3W के केस में कोएर्शन का एलिमेंट भी इंटैक्ट है। तो आज की इस डिस्कशन में हमने देखा कि क्या डिफरेंस है बिटवीन दीज टू डेवलपमेंटल मॉडल्स आर इनिशिएटिव्स। इस पूरी डिस्कशन में हमें यह समझ आ गई कि दोनों में अच्छी बातें भी हैं, दोनों में फ्लॉस भी हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देख लें तो ब्री इज मोर वायबल एज कम्पेयर टू B3W गिवन द नेचर ऑफ चाइनाज पीसफुल राइज एंड चाइनाज पीसफुल फॉरेन पॉलिसी, ठीक। फर्दर हम ये कह सकते हैं कि चाइना का जो इकोनॉमिक जिस टाइम जो क्लाउड है या चाइना की जो एक नॉन लीनियर मैनर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है उससे भी हमें यह पता चल रहा है कि चाइना इस इन अ वेल पोजिशन टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट्स जो कि ब्री के अंडर जो है ना वो प्रोमिस्ड हैं। जबकि अगर वेस्टर्न लेट जो हमारे पास B3W है वहाँ पे उनकी इकॉनमी जब तक अच्छी नहीं है तो तब तक ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ पेपर की हद तक ही जो है ना वो अच्छे लगते हैं या पेपर की हद तक ही लिमिटेड रहते हैं। तो इस डिस्कशन से हमने ये आज मतलब ये हमारा कंक्लूजन है कि जो ब्री है वो मोर वायबल है, ये एक ऑल इनकम्पैसिंग इनिशिएटिव है जो कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को कैटर करने की इसके पास कैपेबिलिटी है। इसी वजह से UN ने मतलब कुछ टाइम पहले UN ने भी ब्रिक को जो है ना वो 21st सेंचुरी का एक यानी कि एक एग्जाम्पलरी एक जैसे कि स्टेप और इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स को डिक्लेयर किया है जो कि ग्लोबल डिमांड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिमांड्स है उनको मीट करने की कैपेसिटी रखता है। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.